So सुबह सुबह की भागदौड़ में बच्चों के टिफिन में क्या देना है ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है ऐसा कुछ जो बच्चों को पसंद भी आए बच्चों का पेट भी भरे उन्हें एनर्जी भी दे न्यूट्रिशियस भी हो और सबसे बड़ी बात बहुत जल्दी भी बन जाए कम टाइम में बने तो आज की वीडियो में ऐसी तीन रेसिपीज़ मैं शेयर कर रही हूँ जो बहुत आसानी से बन जाएंगी फटाफट भी बनेंगी अगर आप थोड़ी प्रिपरेशन पहले से करके रखेंगे तो पहली रेसिपी है कॉर्न बाइट्स की रेसिपी इसके लिए मैंने उबले हुए आलू लिए हैं उनको मैश कर लिया है और उबले हुए कॉर्न लिए हैं इनको बस थोड़ा सा कोस्टली ग्राइंड करेंगे और इसके बाद आलू और कॉर्न को मिक्स कर लेंगे इसके बाद इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ प्याज धनिया हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं और बाइंडिंग के लिए मैं यहाँ पे ओट्स पाउडर डाल रही हूँ और थोड़ा सा सत्तू डाल रही हूँ दोनों ही बहुत ही न्यूट्रीशस होते हैं तो मैं यहाँ पे ये यूज कर रही हूँ इसके बाद कुछ सूखे मसाले इसमें ऐड करेंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छे से मिक्स होने के बाद आप देखेंगे कि ये शेप को होल्ड करने लगेगा तो आप इसको टिक्की की शेप दे सकते हैं आप जैसी शेप देना चाहें दे सकते हैं जैसे गोल दे सकते हैं या स्क्वायर शेप में दे सकते हैं मैं यहाँ पे स्क्वायर शेप की बना रही हूँ और इस तरीके से सारी पैटीज बना लेंगे और फिर इनको शेलो फ्राई करेंगे घी या ऑयल जो भी आप इसमें यूज़ करना चाहें बटर वो यूज़ करके आप इसको शेलो फ्राई कर सकते हैं इस तरीके से दोनों साइड से क्रिस्पी और गोल्डन होने तक इनको सेक लेंगे और तैयार है बहुत ही न्यूट्रिशियस कॉर्नबाइट्स तो इसकी प्रिपरेशन आप पहले से करके रखेंगे तो फटाफट फड़ से ये सुबह के टाइम बन जाएगा और बच्चों को भी पसंद आएगा नेक्स्ट रेसिपी है मिक्स वेज पैनकेक्स की इसमें मैं बहुत सारी सब्जियां ऐड करूंगी जो बच्चे सब्जियां नहीं खाते हैं उन पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा टास्क होता है कि वो अपने बच्चों को सब्जियां कैसे खिलाएं तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कर सकते हैं इसमें मैंने ऐड किया है ग्रेटेड गाजर देन शिमला मिर्च प्याज़ लहसुन अदरक और हरा धनिया इसके अलावा भी आप इसमें सब्ज़ियाँ डाल सकते हैं जैसे आप बंद गोभी डाल सकते हैं फूल गोभी भी डाल सकते हैं ब्रॉकली भी ग्रेट करके डाल सकते हैं फ़ाइनली चॉप बीन्स भी ऐड कर सकते हैं बस आपको ध्यान ही रखना है कि सब्ज़ियाँ ऐसी हों जो कम टाइम में पक जाती हों इसके बाद बाइंडिंग के लिए मैं थोड़ा सा बेसन डाल रही हूँ बहुत ज़्यादा बेसन नहीं डालना है बस बेसन इतना ही डालना है ताकि ये सब्ज़ियाँ अच्छे से कोट हो जाएं। प्रॉपर बेसन का चीरा नहीं बनाना है जिसमें बहुत सारा बेसन पड़ता है बस इतना ही बेसन डालेंगे ताकि ये एक बाइंडिंग कंसिस्टेंसी में आ जाए इसके बाद कुछ सूखे मसाले ऐड करके इनको मिक्स कर लेंगे और फटाफट से इसको पैन में डाल देंगे थोड़ा सा शेप परफेक्ट कर लेंगे और इसको ढक कर पकाएंगे अब इस रेसिपी में सबसे ज़्यादा काम सब्जियों को चॉप करने का है तो आप इन सब्जियों को रात में ही चॉप कर करके रख सकते हैं ताकि आप फटाफट से सुबह इसका ये पैनकेक बना लेंगे तो सुबह इस काम को करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और ये बहुत जल्दी बन जाएगा इसको सीखने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मैक्सिमम तीन से चार मिनट में ये पक जाएगा नेक्स्ट रेसिपी है वेरी यूनिक एंड हेल्दी बीटरूट वेज नूडल्स की इसमें बहुत सारी सब्जियां ऐड करेंगे बीटरूट ऐड करेंगे और नूडल्स भी मैदा के नहीं हैं यहाँ मैंने होल वीट नूडल्स लिए हैं आजकल मार्केट में बहुत टाइप के नूडल्स आते हैं मिलेट नूडल्स भी आते हैं सोया नूडल्स एंड बहुत सारे टाइप्स के हैं तो आप हेल्दियर वर्जन ऑफ नूडल्स ट्राई कर सकते हैं यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ लहसुन अदरक प्याज और ग्रेटेड बीटरूट गाजर डाली है सब्जियां आप बहुत सारी इसमें ऐड कर सकते हैं जो भी आपको पसंद आती हो वो सब्जियां इसमें ऐड कर सकते हैं शिमला मिर्च डाली है और ये मैंने नूडल्स मसाला डाला है थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और इनको थोड़ा क्रंची ही रखेंगे बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे इसके बाद मैंने ये नूडल्स डाले हैं जिनको पहले से ही बॉयल कर लिया था और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे मैंने सिर्फ यहाँ पे नूडल्स मसाला डाला है आप टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें कुछ और सॉसेस वगैरह भी ऐड कर सकते हैं बट इसको हेल्दियर साइड पर रखना है तो ज़्यादा चीज़ें इसमें ना ऐड करें जैसे केचप एंड सॉसेस वगैरह बहुत ज़्यादा इसमें ऐड ना करें इसको सिंपल ही रखें बच्चों को ये नूडल्स ऐसे ही बहुत पसंद आएंगे